Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं रिया करने वाली हूँ जो PTI के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं ओमर अय्यूब साहब. उनकी एक स्पीच आया है बाहर नेशनल असेंबली में जिन्होंने फर्स्ट स्पीच दिया है, तो हम आज इसी के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और रिएक्शन वीडियोज़ लाती रहूँ तो आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है. नीचे अगर मैं इंस्टा हैंडल एज वेल, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपकी रिएक्शन वीडियोज़ कम हो गई. कम नहीं हो गई है. मैंने अगर आप मेरे व्लॉग्स देखे तो मैंने बताया कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड थोड़ा मैनेज करना भी थोड़ा इशू लग रहा है मुझे, बट मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ रिएक्शंस भी. जल्दी आपको और भी रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड डू चेक आउट माय व्लॉगिंग चैनल एज वेल. तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं, सुनते हैं इसमें क्या है, आपके क्या व्यूज हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का लिख के बताना. लेट्स गो. ओके, चल क्यों नहीं रहे. लेट्स गो. थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर. उठवार के राजा साहब का मेरे साथ एक हलफ था, आपने उसकी पासदारी की. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं स्पीकर साहब. मैं अपने हलका एनए 18 की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने कायद इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे जो यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन आए हैं उनकी तरफ से यहाँ पे हम लोग एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं. जनाब स्पीकर, हम सब ने जो हलफ उठाया है उस हलफ में ये वाज़े तौर पे है कि हम लोग रूल्स और कानून की पासदारी करेंगे. इस वक्त हमारे पास जनाब स्पीकर ये हाउस नामुकम्मल है और मेरे लर्नड कॉलीग जो कि मानाज बैरिस्टर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको एलैबोरेट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के तहत मैं रूल्स जो आपके सामने इस ऑगस्ट हाउस का अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी बार मैं मेंबर रहा हूँ और रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझता हूँ. पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था. लिहाजा जनाब स्पीकर, मैं अपने लर्नड कॉलीग को फ्लोर देता हूँ आपकी तवसत से. मैं पाकिस्तान की कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये मैंडेट दिया. जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि बैरिस्टर गौर साहब को थैंक यू उमर अय्यूब. बेसिकली वो यही हक की बात कर रहे हैं, पार्टी के हक की बात कर रहे हैं, वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं कि इनके वुमेन कैंडिडेट वो शी इज इन जेल. एंड मुझे तो काफ़ी वैसे अच्छे एक स्किल्ड स्पीकर लगे ये भी उमर अय्यूब भी. एंड मुझे ये भी लगा कि काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है, चार बार वो असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, चार टर्म से. सो ही सीम्स लाइक अ वेरी लर्नड मैन. पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है पोलिटिकल ये हमें अभी भी नहीं पता एंड मैं रोज़ सर्च करती हूँ पर मुझे कोई भी पुख्ता इसका आंसर नहीं मिल पा रहा कि हो रहा क्या है. जबकि ये बात तो क्लियर है कि PTI इज द क्लियर मेंबर क्लियर विनर एंड उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, क्योंकि पार्टी तो उन्होंने रिजॉल्व कर ही दी थी एंड लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शायद ये भी प्रोटेस्ट ही रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं असेंबली में. एंड आगे क्या होगा वील डेफिनेटली वॉच इट आउट. हम देखेंगे भी, हम क्लियरली ऑब्जर्व भी करेंगे एंड वील गिव आर राय एज वेल. आप लोगों की क्या राय है एंड अगर आप लोगों को पता है कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन हो रही है, वॉट इज़ हैपनिंग, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ूंगी भी एंड मैं फिर उसको उसी हिसाब से फॉलो अप भी करूंगी. सो गाइज, दिस इज माई रिएक्शन. दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइज.